Namaskar, a very good evening everyone. I am Smriti Rastogi. And I am Sanjeev Kumar. Welcome to your very loved show, Best Friend Forever. So, this time again we are back here with you, with all the loving things that we talk about pets. And this bar, as we told we will be talking about pets and female pets basically, with uh, their cycle, with their hygiene elements, uh, and elements related with that which is also very important. बिल्कुल संजीव आ, फीमेल पेट्स की जब बात होती है हाइजीन और उनकी साइकिल हीट ये सब एक ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिन पर बात होनी बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं अगर इनको सही से नहीं समझा जाए या समझा गया इनको सही से तो आगे चलकर ये हमारे डॉग्स के लिए हमारे पेट्स के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन सकती है हमारे लिए भी बहुत एक माउंटिंग चैलेंजिंग टास्क हो सकता है कैसे इनकी बेहतर देखभाल करनी चाहिए इन कंडीशन में हाइजीन कैसे हम मेनटेन कर सकते हैं अपना हाइजीन रखते हैं तो हमारे पेट्स का हाइजीन खासकर फीमेल जो पेट्स होते हैं उनका हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है आज इन्हीं सब तमाम आस्पेक्ट्स पर हमारी बातें होंगी डिस्कशन होगा और स्टूडियो में हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं आइए आपको इंट्रोडक्शन कराते हैं सबसे पहले डॉक्टर इशरत अंसारी ही इज़ अ वेट सर्जन आपका बहुत बहुत स्वागत है और हमारे साथ हैं मेधा त्रिहान शी इज grooming एक्सपर्ट आपका भी Thank बहुत you. बहुत स्वागत है और हमारे दर्शकों से ये रिक्वेस्ट है कि आपके जो कुछ भी सवाल हों अपने से रिलेटेड चाहे mm. वो ग्रूमिंग से रिलेटेड हों, चाहे आपके uh, पेट की देखभाल के रिलेटेड हों या आपके फीमेल जो पेट्स हैं उनके हाइजीन से रिलेटेड हों आप प्लीज हमें कॉल करिए पूछिए हमारा फोन नंबर है जीरो वन वन टू थ्री जीरो नाइन सेवन फाइव थ्री टू इस नंबर पर आप कॉल करिए या यूं ही आपको लगे कि अपने पेट के बारे में कोई इंटरेस्टिंग

तो अ दे डोंट डोंट वांट वांट मेनी टाइम्स पीपल आउट ऑफ टेन पीपल आप देखेंगे नाइन पीपल विल हैव अ मेल 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 डॉग पेट और एक के पास ही फीमेल होगा रीजन है लेना ही नहीं चाहते हैं रखना ही नहीं चाहते हैं मेनी टाइम्स क्यों क्योंकि वो साइकिल आएगा तो उनको प्रॉब्लम होगा घर पे hmm.

एंड uh... तो सिर्फ हीट को लेकर के ये सोचना कि हम इनको नहीं अडॉप्ट करेंगे या घर नहीं लाएं तो ये तो सरासर गलत होगा इंदू हमारे साथ जुड़ रही हैं दिल्ली से आप अपना सवाल पूछिए जी मेरा मेरा सवाल ये है कि मेरा है का है कि पेट का मेल तो अभी कुछ दिन से उसको बेड पे चढ़ने में प्रॉब्लम आ रही है जैसे वो बेड पे चढ़ता चढ़ चर्ण नहीं पाता दें, दें सा होता है उसे और वो मतलब एंड ज़्यादा हम समझ नहीं पाए हाँ अगर ये सी प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली तो या तो उसको जॉइंट पेन होगा या कोई मस्कुलर पेन रहा होगा तो डेफिनेटली आप एक बार अपने डॉक्टर को दिखाएं तो वो अच्छी तरह से जज कर पाएंगे कि भाई क्या दिक्कत है उसको जी जैसे डॉक्टर साहब आपने बोला कि मतलब बेसिकली हो सकता है कि जैसे वो चढ़ने उतरने की बात कर रहे हैं और ये एक प्रॉब्लम की तरह देख रहे हैं हो सकता है किसी समय वो कूदते समय या उतरते समय या हाइट के ऊपर से वो कूद गया है तो उसको चोट लग गई होगी तो आप प्लीज़ अपने वेट को रेफर करिए Uh, right डॉक्टर साहब जैसे कि हम हाइजीन की बात कर रहे हैं हमारे फीमेल पेट्स की तो अगर जब हीट का जब दौर चल रहा होता है तो उसमें क्लीनिंग को लेकर के हाइजीन को लेकर क्या कुछ ध्यान रखना चाहिए सबसे पहले तो साफ सफाई बहुत ज़रूरी होती है हुँ. अगर आपका जो भी फीमेल पेट अगर हेयरी है, है तो बेटर है कि थोड़ा सा बाल ट्रिम कर दिए जाए उस एरिया के तो एटलीस्ट जो आ, सिक्रेशन होता है वो बॉडी पे ना लगे तो जो दूसरे इन्फेक्शन होने के चांस कम हो जाते हैं दूसरा जब बाहर जाते हैं तब खासतौर से ध्यान रखना होता है कि भाई किसी गंदी जगह वो यूरिन ना करें क्योंकि उस टाइम भी इन्फेक्शन पिकअप करने के चांसेस होते हैं सेकंड थिंग्स जब यूरिनरी पार्ट से समथिंग जब सिगरेशन हो रहा होता है तो उसकी क्लिनिंग बहुत ज़रूरी होती है तो कई बार बॉडी पार्ट पे लगने की वजह से कई दूसरे इन्फेक्शन हो जाते हैं जैसे कि फंगल इन्फेक्शन हो सकते हैं या और भी चीज़ प्रॉब्लम हो सकती है तो क्लीनिंग ही ज़रूरी होती है और स्टेनिंग भी एक ऐसा पॉइंट है एक ऐसा एस्पेक्ट है कि वो खुद को भी स्टेन कर सकते हैं और फर्नीचर को भी स्टेन कर सकते हैं तो ऐसे में क्या कुछ डूज एंड डोंट्स क्या कुछ देखना पड़ेगा बेटर है कि आप या तो आजकल पेड्स और ये सारी चीज़ अवेलेबल है तो आप पहना के रख सकते हैं और उनको चेंज करवा सकते हैं कि आप एक प्रोफेशनल ग्रूमिंग एक्सपर्ट हैं तो क्या कुछ ध्यान रखना चाहिए ऐसे में अगर हम देख रहे हैं कि हमारे पेट के साथ में वो अगर ऐसा एक्सपीरियंस कर रहा है या हमारे लिए हमको खराब लग रहा है बट उससे ज्यादा हमें ये देखना है जब फर्स्ट टाइम हीट पे अगर कोई पेट आता है So, उसके लिए भी बहुत डिफिकल्ट होता है, बिकॉज़ उसे हो नहीं समझ आता है, कि उसके अंदर भी आता है वो डर जाता है शांत है, है एकदम बिल्कुल बाहर नहीं आ रहा है प्लेफुल नहीं है <laughs> उसकी एक्टिविटीज पूरी ऑल अजन चेंज हो जाएंगी सो मेकोर डॉक्टर ने बोलाट्रीडरी पैड हमारे साथ कॉलेज जुड़ते हैं राजस्थान से राजस्थान से कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं सर मैं जानना चाहूंगा मेरा जो फाइव इयर्स ओल्ड डॉग है लेबराटो है सर जी उसके पैर में रेडनेस है वो चाटता रहता है उसको कभी कभी ब्लड भी निकाल लेता है अच्छा सो ये पिछले कुछ समय से हो रहा है ये काफी समय से हो रहा है काफी समय से है सर डॉक्टर साहब जैसे की आ, अभी हमारी ऑफसेट बात हो रही थी शायद कि आपने बताया कि जिंक की कई बार कमी होती है या ड्राइनेस हो रहा है क्यों हो रहा है ये सब सीजन की वजह से है व्हाट इज द रीजन सीजन की वजह से हो सकता है बट ड्राइनेस की मेन वजह एक तो यही होती है कि बॉडी के अंदर अगर जिंक की कमी हो रही है तो क्रैक्स हो जाते हैं तो उसकी वजह से पेन भी कई बार शो करते हैं तो एक जिंक सप्लीमेंट एड करना होता है फूड में और इसके अलावा बाकी भी चेक कर सकते हो कि ह्यूमिडिटी की वजह से कोई इन्फेक्शन तो हमारे पास संजीव एक बहुत इंटरेस्टिंग पैकेज है जो हमारी टीम ने क्रिएट किया है जिसमें मालविका सेन है ये एक एनिमल रेस्क्यूअर हैं और इन्होंने फीमेल डॉग्स के अडोप्शन को लेकर क्या कुछ किया है क्या कुछ कहा है आइए सुनते हैं इट्स नॉट एग्रेशन कुछ दिन बाद वो कम हो जाते हैं और जब आपको एडप्शन करना ही है उनको स्पेइंग करना ही है तो हिट साइकिल का कोई मतलब ही नहीं बनता आफ्टर सिक्स मंथ्स और एट मंथ्स देयर इज़ नो हिट साइकिल क्योंकि वो ऑलरेडी स्पे हो चुका है कितना ही अच्छा काम किया है मालविका ने

फर्स्ट टाइम हो सकता है सेकंड टाइम भी हो सकता है और अलग अलग पेट का अलग अलग हो सकता है अच्छा स्वेलिंग है या जैसे इस तरीके की सिचुएशन है तो ऐसे में हम कैसे काम डाउन कर सकते हैं या उनका हाइजीन कैसे मेंटेन कर सकते कि उनको यूरिनरी ना हो जहाँ पे ये यूरन करती है वो क्लीन जगह हो थोड़ा सा अगर वो गंदी जगह है तो आपको साफ रखना पड़ेगा उसको मेन और कई बार उसके बाद भी इन्फेक्शन हो जाते हैं कई बार क्योंकि स्ट्रक्चर कई बार थोड़ा सा अंदर की तरफ होती है तो

या तो हीट साइकिल तीन से चार वीक्स आगे कंटिन्यू हो जाए या वहाँ से कुछ आ, इस, फॉल स्मेलिंग समिकेचन इज निकल रहा हो तो यह मानेंगे कि भाई कोई इन्फेक्शन हो गया तो कुछ टर्म्स हो सकती हैं एंडोमेट्राइटिस हो सकता है उसमें पायोमेट्रा हो सकता है पायोमेट्रा बात की चीज़ें उससे पहले एंडोमेट्राइटिस होता है उसमें उसके यूरिन कई बार कम कई बार ज़्यादा अलग अलग जगह भी यूरिन कर सकती है कई बार पायो मेट्रा पायोमेट्रा में

को वेट के पास ले जा करके उसको ट्रीट कराना ही पड़ेगा सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट इसी के साथ में हमारे पास एक बहुत ही खूबसूरत पैकेज है पिजन पॉपुलेशन पर ये पैकेज है संजीव पिजन पॉपुलेशन पे क्यों हमने ये पैकेज बनाया अगर हम दिल्ली के ही बात करें तो आर्टिफिशियल फूड खिला करके पिजन की जो पॉपुलेशन है वो बहुत बढ़ गई है Definitely. ऐसे में न केवल पिजन्स को परेशानी है खतरा है लोगों को भी बहुत परेशानी और खतरा है बिल्कुं, संजीव एंड यू नो ऑब्वियसली व्हाट पीपल आर डूइंग इज कि कि एक एक हम अच्छाई के लिए कि एक अच्छा करें भला करेंगे लेकिन वो एक एस्पेक्ट अलग है आप जो आर्टिफिशियल फीडिंग हम जो कह रहे हैं या आप हर जगह हर चौराहे पे या कहीं पर भी आप मुट्ठी भर जो दाना डालते हैं और सोचते हैं आप अच्छा कर रहे हैं एक्चुअली आप एक वाइल्ड एलिमेंट जो कि का है वो खत्म भी कर रहे हैं एंड जब उनको एक जगह आराम से खाना मिल जा रहा है तो वो पॉपुलेशन ही बढ़ा रहे हैं जिससे काफी एक्सीडेंट्स भी हो रहे हैं दिक्कतें भी आ रही हैं आइए इस पर नजर डालते हैं प्लीज। भारतीय समाज और संस्कृति का महत्वपूर्ण पहलू है कबूतर. अब बन हैं शहरी पंछी कोलंबिया लीविया उसको कहते हैं साइंटिफिकली और वर्ल्ड में बहुत जगह वो फैला हुआ है अफ्रीका और साउथ वेस्ट एशिया और उसमें इंडिया में भी नजर आता है हर स्पीसीज का नेचर के साथ इम्पोर्टेंट कनेक्शन होता है प्रकृति से उनकी अपनी नीड्स होती है और उसी पर बेस्ड होता है उनका एक्सपेंशन किसी भी पक्षी को जीने के लिए दो चीजें चाहिए एक फूड सिक्योरिटी और एक लाइफ सिक्योरिटी बदलते दौर में कबूतरों की संख्या शहरों में ज्यादा बढ़ रही है मान्यताओं के अनुसार पंछियों को दाना पानी देना अच्छे संस्कार हैं जिससे घर परिवार में खुशहाली आती है लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि अगर जानवर या पंछियों को हम में कि और ट्रीज लगाइए वेजिटेशन और बढ़ाइए एनवायरमेंट पे काम करिए क्योंकि ये एक नेचुरल हैबिटेट होगा हमारे पिज़न्स के लिए और ये जो आर्टिफिशियल फूड है उसको देना बंद करिए और आज क्योंकि एनवायरमेंट डे भी है तो ये जो मुहिम एक बात जो इस मंच से कही जा रही है कि पौधे लगाइए इसको कोशिश करिए जितना हो सके उतना इस बात को फैलाइए वी वी आर आर गाइडिंग यू फ्रॉम हमारे पास सात कॉलर जुड़ रहे हैं मध्य प्रदेश से इनका नाम है नविता चौधरी नविता अपना सवाल पूछिए मेरा ये सवाल है मेरे पास लेब्राडोर है फीमेल और वो छह महीने का बच्चा है मेरा तो उसको जैसे सुबह या शाम में वॉक पे ले जा रही हूँ तो उसे मुझे नहलाना चाहिए या नहीं या कुछ उसके लिए मुझे आप बताइए सर मुझे लगता है मेधा uh, क्योंकि ऑल द वे शी हैज कम फ्रॉम हैदराबाद टू बी अ पार्ट ऑफ आवर शो आई वुड रिक्वेस्ट मेधा टू काइंडली आंसर द क्वेश्चन बिल्कुल नहलाना चाहिए राइट आफ्टर वंस एक बार वो तीन महीने का बच्चा हो जाता है तीन महीने के बाद में आपको डायरेक्ट शावर आपको डायरेक्ट पानी से उसको शैम्पू से नहलाना है yes, so, पप्पी I mean, है that's, that's really, really important yes. थ्री मंथ से पहले आपको उसको वॉ पानी से डायरेक्ट नहीं नहलाना है उसका एक अलग तरीका होता है नहलाने का अब ड्राई बात होता है दरअसल ड्राई बात के अलग शैम्पूज आते हैं उसे नहलाया जाता है अभी वो ऑलरेडी सिक्स मंथ्स का हो चुका है तो डायरेक्ट आप शावर दे सकते हैं पानी से, hmm. mild water use कर, mild water use पानी से हल्का करिए 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 उसको mild shampoos use कर ज्यादा मेडिकेटेड या फिर टिक एंड फ्री शैम्पूज होते हैं मेडिकेटेड शैम्पूज मत यूज करिए क्योंकि उससे उसकी स्किन जो है वो ड्राई हो जाएगी पपी so, है जब हम फीमेल पेट्स की बात कर रहे हैं तो एक इंपॉर्टेंट बात बिकॉज वी आर अप्रोचिंग द एंड ऑफ द शो एज वेल कि फीमेल पेट्स से शायद वे मत करिए दे आर नॉट सो मच ऑफ अ कंसर्न दे विल गिव यू मोर लव आपको ज्यादा प्यार अफेक्शन देंगे एंड ये भी आप समझिए कि कभी भी आप आगे बढ़ के अगर उनका साइकिल आप एक रेगुलर जो एलिमेंट है जो कि नेचर है वो आप नहीं चाहते हैं सो यू कैन अप्रोच अ वेट एंड यू कैन टेक केयर ऑफ इट इन अ क्लिनिकल वे ऑल्सो

सबसे पहले तो हाइजीन ही बहुत ज़रूरी है ठीक है तो क्लीनिंग आ, ये आ, दो से तीन वीक का हो सकता है फर्स्ट टाइम है थोड़ा पता नहीं चलेगा फर्स्ट टाइम होना है उसको भी पता नहीं चलेगा लेकिन जब थोड़ा सा ब्लड के ड्रॉप्स स्टे नज़र आएंगे तो वो समझ जाएंगे तो क्लीनिंग ज़रूरी है जब उसका टाइम होता है मेटिंग का उस टाइम आपको ध्यान रखना है कि एक्सीडेंटल कोई मेटिंग ना हो जाए जब उससे निकल जाए उसके बाद सारे प्राइवेट पार्ट को आप ढंग से चेक करें कि भाई कोई इन्फेक्शन तो नहीं हुआ उसकी वजह से आसपास चेक करें अगर कोई गंदगी हुई है तो उसको ट्रिम करें बाल वगैरह को और अगर कुछ लगता है कि आप तो एक वेट को दिखा दिकल। सकते वेट को क्लिनिंग क्योंकि आप ख़ुद ही एक प्रोफेशनल ग्रूमिंग एक्सपर्ट हैं क्लिनिंग की हम बात करते हैं हाइजीन की बात करते हैं तो ये जो फीमेल इंटीमेट पार्ट है उसमें जब हम अप्रोच करते हैं क्लीनिंग को लेकर तो क्या हमारी अप्रोच होनी चाहिए किस चीज का ध्यान रखना चाहिए हमें सी पहले तो आपको देखना है कि जो आपके पास पेट है वो काम uh, डाउन है नहीं? कभी कभी अग्रेसिव नेचर होता है तो आपको देखना है अग्रेसिव नेचर तो नहीं है हुँ. लिटिल बिट ऑफ पैम्परिंग थोड़ा सा उसको पहले तो आप hmm. प्यार करिए hmm. बहुत ज़रूरी है मैंने पहले भी बोला था कि बॉन्डिंग बहुत ज़रूरी होता है hmm. तो पेट के साथ बॉन्डिंग एक क्रिएट करेंगे तो अपने आप ही वो अलाउ करेगा आपको अपने आप को टच करने के लिए और देखने के लिए कि एवरी थिंग वो उसके पूरा जो पार्ट्स है सब में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है उस एरिया के बालों को रेगुलरली ट्रिम करना hmm. बहुत ज़रूरी है सैनिटरी कट बहुत ज़रूरी है जिसमें आपके प्राइवेट पार्ट्स होते हैं उनके पूरे आपको हेयर निकालना चाहिए सो एक बार आप बॉन्ड क्रिएट कर लेंगे तो अपने आप ही वो आपको अलाउ कर देगी because जब आपके उसके आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा तो कोई भी पेट अपने आप अलाउ exactly. कर देता I mean, है साइकिल पीरियड सो so, आपका ये टू वीक्स का से आप बोल सकते हैं टू वीक्स का रहता है बट उसमें आपका जो ब्लीडिंग पीरियड होता है दैट इज ओनली डेज वीक आप ले लीजिए एंड रेस्ट ऑफ द टाइम इट्स नॉट देयर एंड उसके अलावा इसमें आप पैम्पर्स भी यूज कर सकते हैं आजकल मार्केट में पैम्पर्स मिल रहे हैं पेट पैम्पर्स होते हैं नॉट इतना कंसर्न है जिनको काफी बहुत होता है कि नहीं पैम्पर्स बहुत ज्यादा है पैम्पर्स यूज कर लीजिए वाइप्स आते हैं पेट वाइप्स आते हैं थोड़ा सा अगर आप बहुत सारे ऐसे समाधान है बस आपका मन होना चाहिए दिल होना चाहिए चाहिए कि आप घर पर एक फीमेल पैट लेकर के आए अच्छा इसी के साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग हमारे पेट ऑफ द वीक जो हम कहते हैं कि हमें पिक्चर्स तो ये होता है पेट ऑफ द वीक के लिए ब्राउनी ये पेट ऑफ द वीक है और लूसी ये पेट ऑफ द वीक है संजीव इनके पेट पेरेंट की बात की जाए तो माही मान ये इनके पेट पेरेंट हैं ब्यूटिफुल पिक्चर्स देर विद्स टाइम टू रैप अप दिस एपिसोड थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच मेरा फॉर स्पेशली कमिंग डाउन फ्रॉम हैदराबाद टू बी अ पार्ट ऑफ दिस शो टू to अस so so to to us today दिस इवनिंग थैंक यू सो मच और अपने पेट्स की अच्छी फनी पिक्चर्स वीडियोस हमें भेजते रहिए हम यहां पर पेट ऑफ द वीक के रूप में उसे दिखाएंगे और वी विल ट्राई टू मेक योर पेट बी फेमस और कोई भी फीडबैक या सजेशन हमारे शो से रिलेटेड हो तो आप लिख सकते हैं हमको हमारा ईमेल आईडी है बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर पेट्स एट जी मेल डॉट कॉम इसी के साथ आपके साथ नेक्स्ट वीक हम जुड़ेंगे एक और नया एस्पेक्ट लेके द राइट कैंड ऑफ शैम्पूज टू बी यूज फॉर योर पेट्स ऑफ पेट्स एंड वील डिस्कस दिस विद यू नेक्स्ट वीक टिल कीप keep योर पेट्स रिस्पेक्ट respect लिव लाइफ बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर